लैंगिक कमजोरी होमोसेक्सुअलिटी में, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हेट्रोसेक्सुअल मतलब मेल टू फीमेल, ये जो रिलेशनशिप है इसमें लैंगिक कमजोरी होना या लैंगिक कठोरता नहीं आना या इम्पोर्टेंस होना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, इसलिए बहुत लोग आते रहते हैं और बहुत लोग उसका इलाज करते हैं। उसके कारण जो हमने लिखे हुए हैं कि भाई कारण क्या है। अभी सवाल ये आता है कि मेरे पास में ऐसे कई व्यक्ति आते हैं कि जो होमोसेक्सुअल है, मतलब उनको समलिंगी आ सकती है, उनकी शादी होने की है और उनको अभी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में इरेक्शन नहीं आता है और वो चाहते हैं कि वो एक्टिव पार्टनर बने रहे। क्या होता है कि होमोसेक्सुअलिटी मतलब गे कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी में एक तो पैसिव पार्टनर होता है, एक होता है एक्टिव पार्टनर। तो पैसिव पार्टनर जो है वो सेक्स करवा के लेता है दूसरे होमोसेक्सुअल से और एक्टिव पार्टनर जो वो सेक्स करता है। अभी होता क्या है कि समझो भी होमोसेक्सुअल है, उसका इरेक्शन ही नहीं आया तो फिर वो कैसा करेगा। अभी ये देखो, ये मेरे पास में इसलिए नहीं आया कि मेरे को होमोसेक्सुअल नहीं होना, वो तो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, वो तो कंटिन्यू करना है। अभी मुझे उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा। अभी सवाल ये आता है कि उसमें भी फिर हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसका डॉपलर टेस्ट करो, फिर बाकी और ब्लड टेस्ट करो, थायराइड है क्या, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या, या कोई ब्लड डिसीजेस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, मतलब कोई शारीरिक प्रॉब्लम है क्या, और नहीं तो फिर मानसिक प्रॉब्लम है समझ के फिर उसका इलाज करना होगा। उसका एज क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि उसकी एज कितनी है, और फिर वो हिसाब से इलाज करना होता है। क्या होता है कि होमोसेक्सुअल जब आते रहते हैं तो एक तो वो उनको एक तो बहुत ही क्लियर है, दो तरह के होमोसेक्सुअल होते हैं कि एक तो बहुत ही क्लियर है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होमोसेक्सुअल रहने में, दे आर वेरी हैप्पी, वो आपका उनका खुद का लाइफ एंजॉय करते हैं, वो अनमैरिड है, या वो लिविंग रिलेशनशिप में मेल के साथ में रह रहे हैं, या फिर वो सावच तलाश में रहते हैं कि कौन मिलेगा कौन मिलेगा, जहाँ चांस मिला वहाँ करते रहते हैं, दे आर हैप्पी। दूसरा है कि वो चुपके चुपके करते हैं, उनके बारे में किसको मालूम नहीं है, छुपे इंसान, घर को भी मालूम नहीं है, और वो इंटरमिटेंटली जाते हैं, इंटरमिटेंटली करते हैं, जहाँ चांस मिला वहाँ, और वो एक होमोसेक्सुअल का होता है। तीसरा होता है बायसेक्सुअल, और बायसेक्सुअल में ये लोग लेडीज़ के साथ में भी करते हैं और जेंट्स के साथ में भी करते हैं। ये हो सकता है कि ये लेडीज़ के साथ में कर सकते हैं इसलिए ये शादीशुदा भी होते हैं, शादी करते हैं और फिर शादी करके घर में भी रहते हैं और बाहर भी करते हैं। अभी ये कुछ लोग जो होमोसेक्सुअल है उनको होमोसेक्सुअल में इरेक्शन आता है मगर घर में पत्नी के साथ में इरेक्शन नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पत्नी के साथ में इरेक्शन आता है मगर अभी पहले होमोसेक्सुअल में इरेक्शन आता था, अभी आता नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, इसमें हमको ढूंढना पड़ता है कि भाई क्या कारण है। इसमें जड़ पे जाना पड़ता है, गिल्टी फीलिंग है, डर है, भय है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, क्या है वो देखना पड़ता है, और वो हिसाब से फिर हम उनको बोलते हैं कि ठीक है भैया आप ऐसा करो कि एक तो सिल्डेनाफिल टाडाफिल का इस्तेमाल करो, वर्दानाफिल अवेनाफिल उसका इस्तेमाल करो, टेंशन है तो टेंशन फ्री होने की दवाई ले लो, ऐसे वातावरण में सेक्स करो कि जहाँ डर नहीं है, घबराहट नहीं है, खुले दिल से करो, गिल्ट निकालो, ये काउंसलिंग में बोला जाता है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। बहुत ऐसे होमोसेक्सुअल आते हैं कि जो मतलब ऐसे मजबूर है कि भाई उनको करना पड़ता है, एक हैबिट लगी हुई है, वहाँ से वो बाहर आना चाहते हैं, उनको गिल्टी लगता है, एंग्जाइटी बहुत है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, फिर सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, और उसमें वो बहुत कंफ्यूज है कि करना क्या, शादी करना चाहिए, वो शादी करने की इच्छा नहीं है, और फिर प्रेशर के कारण उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैंने ये बंद करना चाहिए होमोसेक्सुअलिटी और फिर मैंने हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहिए, शादी करना चाहिए लड़की के साथ में। फिर ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बहुत डिस्टर्ब है, यदि उनको हम सपोर्ट ना करें तो हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, मतलब एक जान का खतरा भी उसका हो सकता है या जान दे सकता है, वो खुद की जान ले सकता है। तो ऐसे इसमें फिर हम कायदे से तो वो अलाउड नहीं है कि भाई उसका इलाज करो, मगर वो लिख के देता है ऐसा और राइटिंग में कंसेंट देता है कि मैं एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से बहुत ग्रसित हूँ, मैं होमोसेक्सुअल मेरा ओरिएंटेशन है,
अभी मुझे ये ओरिएंटेशन बंद करने का है, मुझे आप सपोर्ट करो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो ऐसे इसमें जान बचाना है, उसको मदद करनी पड़ती है। और फिर उसका कुछ ना कुछ हम काउंसलिंग करते हैं और उसको सपोर्ट करते रहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।